पहुंचे हुए इस वक्त होम्योपैथिक फार्मासिस्ट पहुंचे हैं पिकअप भवन, आबकारी सिपाही लोअर पीसीएस अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थी भी प्रदर्शन करने पहुंचे हुए हैं। ये सभी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हुए हैं, अंतिम चरण का परिणाम घोषित करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कम से कम अब तो अंतिम चरण का परिणाम घोषित कर दीजिए, अब तक तो आप सोए थे। आबकारी सिपाही भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे हैं, लोअर पीसीएस अभ्यर्थी प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, भर्ती प्रक्रिया पूरे करने की मांग ये सारे लोग कर रहे हैं। पिकअप भवन पर भारी पुलिस बल तैनात है। लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है, तमाम अभ्यर्थी लखनऊ पहुंच रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम पिकअप भवन के पास खड़े हैं, जहां पर जो तमाम होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी यहां पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इनकी मांग है कि जो अंतिम चयन परिणाम है उसे घोषित किया जाए। किस लिए यहां प्रदर्शन कर सर? हम होम्योपैथिक विभाग से हैं, हमारी ये वैकेंसी जो है 2 साल पहले आई हुई है, 2 साल में 1 साल बाद ये रिजल्ट आया सर, फिर अभी दिसंबर में हम लोग का रिजल्ट आया, मार्च के अप्रैल महीने से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, अभी भी हमारा फाइनल लिस्ट जारी नहीं किया जा रहा है, ना हमारे आयोग को भेजा जा रहा है कि हम लोग को नियुक्ति मिल सके। और तो इस कोविड में किसी अधिकारी से बात हुई? अभी किसी अधिकारी से नहीं बात हुई है सर, हम लोग बार बार धरना देने आते हैं। अधिकारी अपना ये कर्म समझ रहा है। तमाम अभ्यर्थी हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे, कई और संगठन हैं आबकारी सिपाही भर्ती की मांग को लेकर। इसके अलावा लोअर पीसीएस के भी अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद है जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। लखनऊ से कफीलुर रहमान, भारत समाचार, अम्बेडकर नगर।